नोएडा में हुए डबल मर्डर की कहानी कुछ ऐसी ही है। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ उठने बैठने के साथ साथ धंधे में भी पार्टनरशिप थी, लेकिन रुपए पैसों को लेकर दोनों के बीच ऐसी अनबन हुई कि एक दोस्त दूसरे के खून का प्यासा बन गया। और फिर तो आधी रात ऐसा खूनी खेल हुआ कि एक ही घर में दो लाशें गिर गईं। दोस्ती में दगाबाजी का खौफनाक अंजाम। नोएडा में देर रात दोस्तों के बीच खूनी खेल। दरअसल यही वो घर है रात में जहां पर डबल मर्डर हुआ है। गुस्से में पागल शख्स का दोस्त के घर धावा। एंटर करते ही उसे गोली से। पौश इलाके में देर तक गूंजती रही गोलियों की आवाज। पूरे वाक्य में दो लोगों की मौत हो गई है। दो पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग, फिर खुखरी से वार। हमले में दोस्त की बीवी और बेटे का कत्ल। उनका बेटा और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों एक्सपायर हो गए, दोनों को गोली लगी है। रुपए के लेन देन को लेकर थी दोस्तों के बीच अनबन। प्रॉपर्टी के धंधे में पार्टनरशिप का था झगड़ा। किसी प्रॉपर्टी या कोई चीज को लेके कोई विवाद था। मौके से दो पिस्टल और 40 से ज्यादा गोलियां बरामद। दोस्ती में दगाबाजी और आखिरी हिसाब। अपने बिजनेस पार्टनर के घर हमलावर पूरी तरह मरने मारने की नीयत से ही पहुंचा था। उसने अपने दोनों हाथों से न सिर्फ अंधाधुंध गोलियां चलाई बल्कि पकड़े जाने के डर से खुद को भी खुखरी मारकर लहूलुहान कर लिया। और जब तक ये खूनी खेल खत्म हुआ तब तक दो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके थे और खुद हमलावर समेत तीन जिंदगियां मौत और जिंदगी के बीच छूल रही थी। नोएडा का सेक्टर 39। दिल्ली से सटे नोएडा के इस इलाके की गिनती यहाँ के पॉश कॉलोनियों में होती है, लेकिन इसी पॉश कॉलोनी में मंगलवार की रात एक ऐसा खूनी खेल हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एक अकेले शख्स ने यहीं एक कोठी पर धावा बोलकर यहाँ रहने वाले तमाम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ को खुखरी मारकर जख्मी कर दिया। फिर जब तमाम खूनी खेल के बाद खुद के पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उसने खुद से खुखरी पर वार कर जान भी देने की कोशिश की। दरअसल ये कोठी दिल्ली के मयूर विहार में प्रॉपर्टी और ब्याज का कारोबार करने वाले अजय खुराना नाम के शख्स की है, जो यहां अपनी बीवी, दो बेटों और बहुओं के साथ रहता है। रात करीब 10:30 बजे अचानक किसी ने खुराना के घर डोरबेल बजाई। ये खुराना का दोस्त और धंधे में उसका पार्टनर राजेश जौली था। जौली को देखते ही खुराना के नौकर ने गेट खोल दिया, लेकिन गेट खोलते ही जौली ने जो कुछ किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने छूटते ही गेट खोलने वाले खुराना के नौकर राजू पर खुखरी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। लहूलुहान राजू वहीं जमीन पर गिर गया। अब जौली के लिए रास्ता साफ हो चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने घर के अंदर जाते ही दोनों हाथों से फायरिंग शुरू कर दी। उसका पहला शिकार बनी खुराना की बीवी अंजू और उनका छोटा बेटा अंकुश। ये भयानक मंजर देखकर खुराना के बड़े बेटे अमित और बहुओं ने तो वहां से भागकर जान बचाई, लेकिन खुराना ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की।
जॉली ने खुराना पर भी फायरिंग की, लेकिन गोली पिस्टल में फंस गई और इत्तेफाक से ऐसा दोनों पिस्टलों के साथ हुआ। इसके बाद जॉली ने खुराना पर खुखरी से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन खुराना किसी तरह अंदर कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करने में कामयाब रहा। और सबसे अंत में जब हमलावर को खुद के पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उसने खुद पर भी खुखरी से घातक वार किए। हालांकि तब तक आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने किसी तरह जॉली को काबू कर लिया। सबसे पहले जैसे उसने घंटी बजाई तो नौकर आया, नौकर ने गेट खोला, उसने उस पर खुखरी से, उसके पास एक खुखरी थी जो पुलिस ने रिकवर कर ली है, वो खुखरी से अटैक किया। नौकर बाहर की तरफ पार्क में भागा, उसके बाद वो अंदर पहुंचा तो यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन लोगों पर उसने जो है आते ही शूटिंग शुरू कर दी। आवाज आई चीखने की, हम लोग नीचे आ गए जी, एंड हमने देखा कि आंटी ये जो इनका डोर है वहाँ पे पड़ी हुई है, एंड दैट पर्सन वो उनको ऐसे मार रहा है, एंड वो ऊपर चला गया हमारे साथ। इसके फौरन बाद लोगों ने तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गोली लगने की वजह से अजय खुराना की पत्नी अंजू और बेटे अंकुश की जान जा चुकी थी, जबकि खुराना, उसका नौकर राजू और हमलावर जॉली अब भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना करने के बाद दोनों पिस्टल और खुखरी तो बरामद किए ही, जॉली के पास से उन्हें 40 से ज्यादा गोलियां और सर्जिकल ब्लेड जैसी चीजें भी मिली, जिन्हें देखकर यह साफ था कि हमलावर पूरी तरह मरने मारने के इरादे से ही वहां पहुंचा था। दरअसल इस वाकये में दो लोगों की हत्या हो गई, जबकि तीन लोग अभी भी जख्मी हैं। इस मामले में पुलिस राजेश जॉली से पूछताछ करेगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि दरअसल राजेश और अजय खुराना दोनों बिजनेस पार्टनर थे और प्रॉपर्टी को लेकर ही दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस सूत्रों की माने तो हमलावर जॉली और शिकार खुराना दोनों मयूर विहार में प्रॉपर्टी और ब्याज का काम करते हैं, लेकिन इन दिनों रुपए पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी। जॉली ने कुछ समय पहले खुराना को ये धमकी दी थी कि वो खुदकुशी कर लेगा और सुसाइड नोट में उसका नाम लिख जाएगा। खुराना ने भी इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन इस अनबन का अंजाम इतना खौफनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग गोठी, नोएडा आज तक। बात अब मेरठ की करेंगे, जहां पर लव जिहाद का जिन तब एक बार फिर से बाहर निकल आया, जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक बंद मकान से प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्मों के थे, फिर क्या था, कार्यकर्ताओं ने दोनों को अच्छी खासी उनकी मजम्मत की। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर समाज के इन ठेकेदारों को किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का ये हक किसने दिया है। यूपी के मेरठ से आई ये तस्वीरें हैं एक छापेमारी की, लेकिन ये छापेमारी न तो पुलिस कर रही है और न ही कोई सरकारी एजेंसी। तेरा नाम क्या है? असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। बल्कि समाज सुधार और लव जिहाद रोकने के नाम पर ये ठेका लिया है मेरठ की हिंदू युवा वाहिनी ने, जिसने एक बंद मकान से एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा है। और इसके बाद ये नैतिकता के ठेकेदार इस नौजवान जोड़े के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, ये इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर इलाके के इस मकान में एक नौजवान जोड़े के मौजूद होने की खबर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को मिली। इत्तेफाक से लड़के और लड़की अलग अलग मजहब के थे, बस फिर क्या था, दोनों के रिश्ते को लव जिहाद का नाम देते हुए युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मकान पर धावा बोल दिया। खबर सही थी, दोनों बंद कमरे से पकड़े भी गए, लेकिन जब दोनों से पूछताछ हुई तो वही बात सामने आई जिसका शक युवा वाहिनी के लोगों को था। मेरठ में सामने आया लव जिहाद का ड्रामा, हिंदू युवा वाहिनी का बंद मकान पर छापा, छापे में पकड़ा गया नौजवान जोड़ा, अलग अलग धर्म के चलते खड़ा हुआ विवाद। चलो तुम पीछा लड़का अपने और अपने पिता का नाम कुछ और बता रहा था, जबकि उनका ताल्लुक किसी और धर्म से था, यानी शक ये कि वो झूठ बोल रहा था।
कहने का मतलब ये कि इस नौजवान जोड़े के रिश्ते में कुछ तो ऐसा जरूर था जिसकी पर्दादारी थी, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी बालिग जोड़े को एक दूसरे से मिलने से रोकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के लोग आखिर होते कौन हैं? ये और बात है कि वाहिनी के लोगों के पास अपनी हरकत के हक में भी जवाब मौजूद है। सूचना ये मिली थी कि एक लड़का और लड़की जो अलग अलग धर्मों के हैं वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में घुसे हुए हैं, जबकि उनका वहाँ कोई मतलब नहीं है। वो आए, चाबी से खोला कमरा और उसके अंदर वो संदिग्ध लड़कियाँ लाते हैं, और इस तरीके के लोग जिन्होंने कमरे मकान लिए हुए हैं केवल इसी पर्पज के लिए, वो उन्हें किराए पर देते हैं 500 रुपये उस पर। ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन हो कि ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ रहते नहीं है, मकान उन्होंने अपने किराए पर दिए हुए हैं और जो इस तरीके का धंधा करा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई सबसे पहले हो, बाद में कार्रवाई उन लोगों पर हो जो उस धंधे को कर रहे हैं। जाहिर है इस तरह छापेमारी कर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने खुद ही कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से जब इस मुतालिक पूछा गया तो उसका जवाब भी गोलमोल था। युवा वाहिनी के सदस्यों ने प्रेमी युगल का जोड़ा पकड़ा है बंद कमरे में, उसका क्या है? उसमें जो विधि कार्रवाई की जाएगी, एक लड़का और लड़की। ऐसे में अब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की इस हरकत को लेकर सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, खासकर तब जब सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अपनी मर्जी से एक दूसरे से मिलने वाले लोगों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ऐसे में अगर कोई जोड़ा अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद साथ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पकड़ने वाले लोगों की आखिर हैसियत क्या है? यकीनन सरकार को इस सवाल का जवाब देना ही होगा। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।